मूवी की शुरुआत एक शापित औरत से होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो बहुत बुरी हालत में होती है, उसे बहुत बुरी तरह बांधा हुआ होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि शैतान के पुजारी होते हैं। उन लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर हम इस औरत के बच्चे की बलि शैतान को चढ़ाएंगे जिसकी वो पूजा करते है, तो वो शैतान उनकी रक्षा करेगा। क्योंकि उस गाँव में सब एक एक करके मर रहे थे, उन्हें लगता है कि शैतान हमसे नाराज है इसलिए हमें सजा दे रहा है। अब इसके बाद उनमें से एक आदमी आगे बढ़ता है और उस औरत का पेट काट कर बड़ी बेरहमी से उसका बच्चा निकाल लेता है और एक चाकू की मदद से उस बच्चे की बलि शैतान को चढ़ाने लगता है। तभी वहाँ गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। गांव के लोग उन्हें बंदी बना लेते हैं। गांव के लोग उनसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर की इंसानियत अब खत्म हो चुकी है, अब इसकी सजा में हम तुम्हें जलाकर मार देंगे। उन शैतान के पुजारियों में से एक आदमी कहता है कि तुम हमारे सिर्फ कपड़े जला सकते हो क्योंकि हम सब अमर है और हम वापस जरूर आएंगे अपनी मौत का बदला लेने। तभी उन गाँव वालों में से एक आदमी आगे बढ़ता है और एक गर्म रॉड की मदद से उन लोगों की आंखें जला देता है। फिर वो आदमी वहाँ पर आग लगा देता है जिससे वो लोग पूरी तरह से जलने लगते हैं और मर जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हमें दो लोग दिखाए जाते हैं, माइकल और उसकी बेटी लिल्ली। लिल्ली प्रेग्नेंट होती है। वो लोग एक मंजिल की तलाश में जंगल में भटक रहे थे। काफी लंबा सफर तय करने की वजह से वो लोग थक जाते हैं और उसी जंगल में रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। अगली सुबह जब माइकल की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उन्हें कुछ लुटेरों ने पकड़ लिया और उनमें से एक लुटेरा माइकल को इशारा करते हुए उसका जैकेट मांगता है। माइकल उसे अपना जैकेट उतार कर दे देता है। इधर जब लिल्ली की आँख खुलती है तो वो ये सब देखकर चिल्लाने लगती है। उससे चुप कराने के लिए उनमें से एक आदमी उसके सर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देता है। वो लुटेरा माइकल को मारने वाला होता है। तभी दो लोग आकर उन लुटेरों को मार देते और उन्हें बचा लेते हैं। माइकल को लगता है कि ये लोग भी उन्हें लूटने आए हैं। वो लोग माइकल से कहते हैं कि हम तुम्हें बचाने आए और हम तुम्हें एक सेफ जगह पे ले जाएंगे, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। माइकल पहले मना कर देता है लेकिन लिल्ली की ऐसी हालत देखकर वो उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। वो दोनों आदमी उन्हें एक किले में ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर हम केन को देखते हैं जो उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करता है और उन्हें ये यकीन दिलाता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकते हो क्योंकि तुम यहाँ पर सेफ हो। लिली को वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए वो अपने फादर से कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन माइकल उससे कहता है कि अभी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है इसीलिए हम आज रात यही रुकेंगे और कल सुबह चले जाएंगे। अब इसके बाद रात में सब डिनर के लिए जमा होते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जिसे वहाँ के लोग फादर कहकर बुलाते हैं। फादर माइकल के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम जंगल में क्यों भटक रहे थे, जिस पर माइकल उसे बताता है कि वो उसके खोए हुए बेटे की तलाश कर रहा है और वो कल सुबह उसे ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाएगा। ये सुनकर फादर उसे बताता है कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है इसलिए उसका बाहर जाने का अब कोई फायदा नहीं है। और फादर ये भी बताता है कि तुम यहाँ रुककर मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो। माइकल उसे कुछ बोलने वाला होता है लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगती है और वो बेहोश हो जाता है क्योंकि फादर ने उसके खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल हथकड़ियों में बंधा हुआ है। इधर लिल्ली को भी हथकड़ियों से बांध दिया होता है और लिल्ली के पास एक और लड़की होती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। लिल्ली उस लड़की से पूछती है कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या करने वाले। वो लड़की उसे बताती है कि हमें शैतानों को अपना बच्चा देना होगा, इसके बदले वो हमें जिंदा रखेंगे और इससे हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। लिल्ली ये बात सुनकर रोने लगती है क्योंकि उसे भी अपना बच्चा शैतान को देना होगा। अब इसके बाद लिन उस लड़की को खोलती है और वहां से लेकर चली जाती है। उस लड़की को एक जगह लाकर क्रॉस पर लटका दिया जाता है। फिर वहाँ फादर आता है और मंत्र पढ़ के उन शैतानों को बुलाते हैं और ये वही लोग होते हैं जिन्हें मूवी की शुरुआत में ब्लाइंड करके जला दिया गया था। वो लोग वापस आ गए और उन्हें अपने आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए एक बच्चा चाहिए। अब इसके बाद वो लड़की एक बच्चे को जन्म देती है। जब फादर उस बच्चे को अपने हाथ में लेता है तो वो बहुत डर जाता है क्योंकि बच्चा मरा हुआ होता है और फादर को ये बात पता है कि शैतान को जिंदा बच्चा चाहिए। लेकिन फिर भी फादर शैतानों के पास डरते डरते उस बच्चे को ले जाता है। शैतान जब बच्चे को अपने हाथ में लेता है तो बच्चे की रोने की आवाज नहीं आती है, जिस पर शैतान समझ जाता है कि बच्चा मर चुका है। ये बात जानकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अब यहाँ से शुरू होती है ब्लाइंड डेथ। वो एक एक करके सबको मारने लगते हैं। लिन ये सब देखकर वहाँ से बाहर भाग जाती है। रास्ते में उसे लिल्ली के चिल्लाने की आवाज आती है। वो अंदर जाकर लिल्ली को आजाद कर देती है और अपने साथ ले जाने लगती है। इधर माइकल को अपने पास एक नाइफ पड़ी हुई मिलती है। वो उसे किसी तरह उठाता है और अपना अंगूठा काट कर उस हथकड़ियों से आजाद हो जाता है। उसकी शोर शराबी की आवाज सुनकर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे माइकल मार देता है। फादर शैतानों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उनके पास एक और लड़की, लेकिन शैतान फादर की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और उसे भी मार देते हैं। इधर माइकल लिल्ली को ढूंढने लगता है। तभी उसे लिन मिलती है। वो उससे लिल्ली के बारे में पूछता है। लिन मुक्की होती है, वो बोल नहीं सकती लेकिन वो फिर भी उसे इशारों में बताती है। लिल्ली को शैतानों ने पकड़ लिया है और वो उसे मार देंगे क्योंकि उसे उनका बच्चा चाहिए। इधर शैतान लिल्ली को पकड़कर जबरदस्ती उसका बच्चा लेने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो उसे जख्मी
जख्मी कर शापित कर देता है। तभी वालिन और माइकल भी आ जाते हैं और उन शैतानों से किसी तरह फाइट करके लिल्ली को वहां से निकाल लेते हैं। वो लोग किले से बाहर जाने लगते हैं, तभी एक शैतान उन पर हमला कर देता है और माइकल को मार देता है। लिल्ली ये सब देखकर बहुत रोने लगती है। फिर वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से बाहर भाग जाते हैं। अब इसके बाद वो दोनों एक जगह पहुंचते हैं। ये वही जगह होती है जहां लिल्ली के फादर आना चाहते थे। वो दोनों फौरन किले के अंदर जाते और वहां वो देखते हैं कि कुछ सरफिरे लोग उन किलों में रहने वाले लोगों को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। ये देखते ही लिली एक गन निकालती है जो कि माइकल की होती है और उसी गन से उन पागल लोगों को मार देती है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है। वो उसके पास जाती है। बूढ़ा आदमी बहुत बुरी तरह जख्मी होता है। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है और ये भी कहता है कि जब तक उन शैतानों का मकसद पूरा नहीं होगा वो सबको इसी तरह मारते रहेंगे। ये सुनते ही लिली उस बूढ़े आदमी से कहती है कि उन शैतानों ने मुझ पर भी हमला किया था और मेरा भी बच्चा लेने की कोशिश की थी, लेकिन मैं किसी तरह उनसे बचकर भाग आई। जिस पर बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम मुझसे ज्यादा देर तक नहीं बच सकती और वो तुम्हारा बच्चा लेने वापस जरूर आएंगे, क्योंकि वो शैतान बहुत ज्यादा पावरफुल है। उन्होंने तुम्हारा बच्चा देख लिया है और वो इसे वापस लेने जरूर आएंगे। इतना कहते ही बूढ़ा आदमी दम तोड़ देता है। अब इसके बाद लिली घर के अंदर जाती है। वहाँ वो देखती है कि लिन जख्मी हालत पर जमीन पर पड़ी हुई और वहाँ एक औरत के साथ दो बच्चे भी होते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी एक पागल आदमी आकर लिली पर हमला कर देता है। वो आदमी एक रॉड से लिली के पेट पर मार देता है जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। फिर वो उसका गला दबाने लगता है। तभी लिन की आँख खुल जाती है और वो एक नाइफ से उस पागल आदमी का गला काट देती है और उस पर अपना गुस्सा दिखाते हुए उसे एक गोली भी मार देती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिली को एक क्रॉस पर बांध दिया जाता है और वो दर्द से बुरी तरह से चिल्ला रही होती है। अब इसके बाद लिली एक बच्चे को जन्म देती है। तभी उस बच्चे को लेने के लिए वहाँ शैतान आ जाते हैं। अब लिली को उन लोगों की सेफ्टी के लिए ना चाहते हुए भी अपना बच्चा शैतान को देना होगा, क्योंकि उसके ऐसा करने से दुनिया में हो रहा खून खराबा खत्म हो जाएगा और वो शैतान वापस कभी नहीं आएंगे। अब इसके बाद लिन लिली से वो बच्चा लेती है और शैतानों को ले जाकर वो बच्चा दे देती है। ये सब देखकर लिली बहुत रो रही होती है। वो शैतान बच्चे को वहां से ले जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड बाय।